नमस्कार, राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन, वो एक चिराग है हर गाम रोशनी की अमीन, अंधेरा उसकी शुआओं में छिपता जाता है। और ऐसी ही शख्सियत है भरतनाट्यम नृत्य का जाना पहचाना नाम गीता चंद्रन। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की एक खूबसूरत विधा, और इस विधा में पारंगत गीता चंद्रन। तत्तई या तई दित्तम तरिकिटतक दित्तई तकिटतक ताम दित्तम तकिटतक तई तत्तई तकिटतक ताम दित्तम तकिटतक तई तत्तई तकिटतक ताम। गीता चंद्रन ने इस नृत्य की शिक्षा 5 वर्ष की आयु से लेनी शुरू की, और आज गीता और भरतनाट्यम एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। गीता चंद्रन ने नृत्य को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखते हुए इसे जीवन से जोड़ने की कामयाब कोशिश की, और यही वजह है कि वो और उनकी कला हर खास आम को लुभाती है। उनके नृत्य में, उनके अभिनय में, उनकी आवाज में, उनके अंदाज में एक ऐसी कशिश है जो उन्हें औरों से मुख्तलिफ कर जाती है। एक कलाकार के साथ साथ गीता चंद्रन एक बेहतरीन गुरु भी हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके शिष्य उनसे बेहतर कलाकार बने। गीता चंद्रन ने शास्त्रीय नृत्य की परंपरा को जिस खूबी से परवान चढ़ाया है, और जिस तरह दर्शकों को उनके स्तर पर आकर आमंत्रित किया है, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। और उनकी इसी मेहनत और लगन का नजराना रहे बेशुमार अवार्ड्स, जो उनकी कामयाबी और मकबूलियत की कहानी आप बयान कर जाते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ शख्सियत के माध्यम से जुड़ी हैं भरतनाट्यम नृत्य का जाना पहचाना नाम, या यूं कहें एक ताबिंदा सितारा, गीता चंद्रन जी। गीता चंद्रन जी, स्वागत है आपका शख्सियत कार्यक्रम में। बहुत सालों से आपको हम देख रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की खिदमत करते हुए। अगर सिर्फ हम भरतनाट्यम नृत्य की ही आज आपसे बात करें, भाव, राग, ताल और नाट्य का सुंदर संगम, इतने सालों की आपकी जो ये संगीतमय यात्रा रही, कैसी रही? यात्रा तो बहुत ही डाइवर्स और बहुत रोचक रही, क्योंकि उतार चढ़ाव, सीखना सिखाना और काफ़ी मस्ती। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी हम जब क्लासिकल की बात करते हैं तो लगता है कि बहुत एक सीरियस चीज़ है, और इसमें गुरु हैं, इसमें जो एक ट्रेडिशन की जो एक महत्ता है, एक धरोहर है, ये सब बहुत एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। लेकिन जब आप गुरुओं से बात करें या किसी नृत्यांगना से बात करें तो लगता है कि एक लेवल पर बहुत ही सहज यात्रा है, और इसमें इतना हम लोग लगते तो हैं, खपते हैं और साधना होती है, लेकिन इसका जो एक मूल जो है ये बहुत ही सरल और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। यही रहा है हम लोग के पीढ़ी का जो एक प्रयास रहा है कि इसको डीमिस्टिफाई करें, क्योंकि ऐसे यंगस्टर्स में ये बहुत फीलिंग है कि क्लासिकल माने समझ में नहीं आएगा, बहुत गूढ़ बात है और इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोच बदल रही है अब। यकीनन गुरु का एक बहुत अहम रोल होता है आपकी किसी भी कला में आप हों, किन गुरुओं को श्रेय देना चाहेंगे आप? 5 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी गुरु के पास, मेरी माँ ले गई मुझे, श्रीमती स्वर्ण सरस्वती, जिनको अभिनय सरस्वती भी कहते थे, क्योंकि वो अभिनय में इतने पारंगत थी कि उनको अभिनय सरस्वती का खिताब भी दिया गया था। तो मैं 5 साल की उम्र से उनके साथ रही, 14 साल मैं उनके साथ उनके देख रेख में नृत्य
मेरे अंदर पनपा एक तरीके से, क्योंकि नृत्य एक लेवल पे सिखाया जाता है और दूसरे तरफ पे अपने आप में वो पनपना चाहिए अपने अंदर। उसके बाद मैं गुरु दक्षिणामूर्ति जी के देखरेख में आई, उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस टेक्निक बहुत अच्छे से पारंगत कराया कि परफॉर्मेंस में क्या क्या ज़रूरी है और एक प्रोफेशनली एक नृत्य को एक प्रोफेशनली अगर आपको लेना है तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको बहुत खूब रियाज करना है, तो उन्होंने वो कराया। फिर अभिनय में श्रीमती जमुना कृष्णन और श्रीमती कलानिधि नारायण, ये दोनों मेरे गुरु रह चुके हैं। फिर लय के मामले में अलग जो परिवेश हम लोगों को मिला काम करने में, श्री पी शिव कुमार हैं, उन्होंने लय में मेरे को काम दिलाया। तो बहुत एस्पेक्ट्स हैं डांस में जिनके लिए बहुत अलग अलग लोगों ने प्रेरित किया और सिखाया, बहुत खुश होके सिखाया। मुझे लगता है गुरुओं ने बहुत दिल खोल के दिया। एक कुछ उदाहरण आप हमारे सामने जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नृत्य में जो दो मुख्य पक्ष हैं वो है शुद्ध नृत्य और अभिनय। ये दो के दे दो ऐसे हैं कि एकदम दे आर इंटरलिंक्ड इन सच अ इंटरेस्टिंग वे इन भरतनाट्यम दैट तडिको डिडिको तक डिंगु तकिट तक डिन डिंग कुकुता डिंग कुकुता कुकुता डिंगु तक को डिन डिंगु तक को दृढ़ तलंगु तक। जैसे बोल होते हैं, हर शैली में बोल अलग अलग तरीके के होते हैं। सो भरतनाट्यम में तद्दि तुमनम ये बेसिक बोल हैं और उसमें से बहुत उपज हम लोग करते हैं और सुनने में बहुत ही मीठा और बहुत सरल लगता है, लेकिन इसको जब आप नृत्य में ढालते हैं तो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि जो बेसिक यूनिट्स ऑफ डांस हैं जिसे हम अड़वू कहते हैं, जैसे वर्णमाला है आपके हिंदी, अगर आप लैंग्वेज के साथ तुलना करें तो जैसे वर्णमाला सीखते हैं वैसे ही हम लोग अड़वू सीखते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं भरतनाट्यम के और उन्हीं को यूज़ करके हम शुद्ध नृत्य को बिल्ड करते हैं। पहले छोटे छोटे शब्द बुनते हैं, फिर उसके बाद वाक्य बुनते हैं, फिर उसके बाद पूरा एक एसे या कॉम्प्रिहेंशन। भावों की अभिव्यक्ति तो बेसिकली म्यूज़िक और साहित्य, साहित्य का जो रुझान होना चाहिए वो बहुत ही हमारे भरतनाट्यम में मुख्य है, और कर्नाटक म्यूज़िक हम लोग यूज़ करते हैं एज द बेस फॉर द। तो बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस हैं जैसे मो मान यहाँ पे नायिका शिव से कहती हैं कि मैं तो आपके आपके हृदय, आप मेरे हृदय में इतने इस तरीके से बस गए हैं कि मैं मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं मेरे कुछ भी वश में ही नहीं है कि मैं पूरी तरह आपकी हो चुकी हूँ। और समय इतना अच्छा है श्रृंगार के लिए, संभोग के लिए, कि ये बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है। मो अब इन द वेलायल, इस समय, ये समय जो है संभोग के लिए कितना सुंदर है। इसमें क्या क्या है, देखिए जिस तरीके से कोयल सुंदर तरीके से गा रहा है, जिस तरीके से मंद मंद पवन मुझे एकदम झुला रही हैं, इन द वेलायल मो में उपज बहुत होता है। नृत्य जो है एक स्टेज के बाद कुछ भी सेट नहीं होता है, कुछ भी कोरियोग्राफ नहीं होता है, क्योंकि जो माध्यम है वो एकदम अंदर कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा वो पूरा ग्रामर आपके अंदर है, वो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं ऑडियंस के हिसाब से, अपने म्यूजिशियन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से उसको आप ढालते रहते हैं, क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। जो आज का माहौल है ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो शास्त्रीय नृत्य है या जो शास्त्रीय कला की जो विधाएं हैं
वो कितनी प्रासंगिक रह जाती हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतनी हो गई हैं हमारे ऊपर, कि आज के बच्चे को मैं प्रिज्यूम भी नहीं कर सकती कि कुछ चीज़ें घर में सिखाई जाती हैं या स्कूल में सिखाई जाती हैं, आई हैव टू ट्रीट देम लाइक कम्प्लीटली यू नो कम्प्लीटली न्यू फ्रेश चिल्ड्रन एंड आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो हम लोग माइथोलॉजी, योग, फिर पोएट्री, सब कुछ हम लोग म्यूज़िक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। क्रिएटिव तो आप हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने थीम्स पे बहुत काम किया है, कौन सी ऐसी थीम आपकी नज़र में ऐसी रही जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और आपको लगा कि अब इस पर मैंने एक अच्छी खासी सीरीज़ बनानी है? क्योंकि मैं वृंदावन से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पर मंदिरों में मैं बहुत नृत्य अपनी सेवा प्रस्तुत करती हूँ। ठाकुर जी को रिझाने का कहा जाता है कि ये सबसे सरल तरीका है और बहुत रीझ जाते हैं ठाकुर जी नृत्य सेवा से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, अष्टयाम सेवा जो है जो होती है, और संगीत वहाँ जो गाया जाता है ठाकुर को जगाने के लिए, ठाकुर के भोग के समय के लिए, ठाकुर जब शयन करते हैं तब भी एक गायन होता है। तो वो कॉम्पोजिशंस अष्टछाप कवि जिसे कहते हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं उस पर शोध कार्य मैंने किया, जिसके लिए मुझे सीनियर फेलोशिप भी मिला, और मैंने उसको एक अपने नृत्य में बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से उसको भरतनाट्यम शैली में उन कॉम्पोजिशंस को ढाला और उसको उसकी कोरियोग्राफी करी। फिर कंटेम्प्रेरी साइड में, क्योंकि हम लोग आजकल ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे ऑडियंस परफेक्ट तो नहीं है, सबके मन में तनाव है, स्ट्रेस है, वायलेंस है, इट्स नॉट अ परफेक्ट सिनारियो इन विच वी आर डांसिंग। कालिदास तो कहे गए जो तब कहे गए ऋतु संहार के बारे में और इतनी सुंदर चीज़ों के बारे में, लेकिन आज क्या वो सब रेलिवेंट है अपने ऑडियंस के लिए? आज फीमेल फीटीसाइड हो रही हैं एक तरफ से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दूसरी तरफ से, वॉर्स आर गोइंग ऑन, तो इस सब में क्या नृत्य अपनी एक शैली के माध्यम से कुछ कह सकता है जो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंट हो? ये मेरे मन में बहुत साल से ये उठता था। तो मुझे बड़े अच्छे मित्र मिले उनमें और उन्होंने कमीशन किया, मेरा पहला वर्क मेरे ख्याल से वाज ऑन विमेन एंड वॉर, और उस पर हम लोगों ने लाइफ साइज पपेट्स यूज़ किए, पपेट्री और डांस का जो एक डायलॉग किया, दैट वाज कॉल्ड हर वॉइस, और उसमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने द्रौपदी का कैरेक्टर लिया और जो वॉर का जो सीक्वेंस है और उसमें जो उनकी उसकी मनोस्थिति होती है वो एक अपने आप से जैसे डायलॉग करती रहती है और उसकी अंतरात्मा वो लाइफ साइज पपेट उनके साथ जो डायलॉग, तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी, मूविंग टुवर्ड्स अ कंटेम्प्रेरी थीम। फिर उसके बाद मुझे मिला कैकेयी करके, मैंने एक प्रोडक्शन किया जिसमें डांस और थिएटर को जोड़ा, क्योंकि कैकेयी एक ऐसा कैरेक्टर है रामायण में, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं रामायण में जिनको हम ब्लैक कैरेक्टर्स मानते हैं, तो वी जस्ट रिविजिटेड वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स विच वॉज कैकेयी एंड सी वॉज इट रियली ब्लैक, डिडंट शी हैव एनी शेड्स ऑफ ग्रे, यू नो जस्ट टू एक्सप्लोर, सो इट वॉज अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये फीमेल सीपीटी साइट पे एक प्रोजेक्ट मुझे मिला विच वॉज कॉल्ड माइथोलॉजीज रीटोल्ड, उसमें एक नया नैरेटिव हमको लिखना पड़ा, एक नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, एक नया स्टोरी लिखना पड़ा जिसके थ्रू हम इस इश्यू को एड्रेस कर सकें। गीता जी, हमारी ज़िंदगी में कुछ अपने और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, लेकिन कभी शायद मौका नहीं आता कि वो अपनी जो आपके लिए उनके दिल में जो बात है वो कह सकें। तो ऐसे ही कुछ लोगों को हमने आपके लिए कैप्चर किया है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, शायद आप उन्हें पहचान जाए। हाय गीता, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years नाउ एंड इट्स बीन अ लवली लॉन्ग जर्नी। आंखें बंद करके सोचो गीता मतलब क्या होता है, गीता के कलर्स क्या हैं, तो एक ही यू नो रूप सामने आता है, एक क्लासिकल इंडियन ब्यूटी और ऑरेंज एंड पिंक विद अ डैश ऑफ गोल्ड, वो गीता चंद्रन है। संडेज पहुंच जाइए उनके घर, गर्मा गर्म साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का सेवन ज़रूर करेंगी आप। राजीव और गीता जैसे सिनोनिम हो, एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं और एक दूसरे के लिए हर मौके पे खड़े हैं। ये अरेंज मैरिज तो है नहीं, इनकी लव मैरिज थी, एंड हाउ दे ब्यूटिफुली निभाया एक दूसरे का साथ और एक दूसरे को प्रेरित करके आगे बढ़े हैं,
और जिस मुकाम में आए हैं वो एकदम अमेजिंग है. हाय गीता, यू आर रियली सरप्राइज्ड सीइंग मी स्पीक अबाउट यू, इज इट, और हियर मी स्पीक अबाउट यू. इंसान तो आप बहुत अच्छी हैं, ये पहली बात समझ में आती है आपके डांस से भी पहले, क्योंकि जब मैं आपके विद्यार्थियों को आपके साथ देखती हूँ तो जो वो कंप्लीट कमिटमेंट, डिवोशन और परफेक्शन पे आपकी नज़र रहती है, तो आप बड़े अच्छी तरीके से गुरु के रोल में फिट होती हैं. फिर मैं देखती हूँ कि आप खाली डांस और म्यूज़िक और उसके बंदिशों से खाली नहीं, बट हर प्रकार के कला में इंटरेस्ट लेती हैं, वो चाहे साड़ी की डिज़ाइनिंग हो, चाहे चुन्नी की डिज़ाइनिंग हो, चाहे कपड़ों की हो, या कोई सेमिनार के रूप में आप उसे ले आते हैं. तो आई थिंक यू आर अ परफेक्ट फैमिली एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेशनल एग्जाम्पल. कुछ कहना चाहेंगे? संध्या और मेरा जो है वो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप भी रहा है, और प्रोफेशनली बहुत संध्या और मैंने काम किया है कि स्टाइलिंग में कैसे निखार लाए, पुराना रखें लेकिन उसमें एक नया, एक कंटेम्प्रेरी एलिमेंट जो प्रोफेशनली आज के दौर के लिए जो ठीक रहे डांस के लिए, तो वो उसमें हम लोग दोनों ने बहुत काम किया है. और हमने बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे कॉस्ट्यूम के निकाले अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने प्रोडक्शंस के लिए, जहाँ संध्या ने बहुत काम किया है. और आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद संध्या ऑन ऑल दीज. लता यू नो इज़ एन एजुकेशनलिस्ट एंड आई एडमायर हर ग्रेटली. ये लता भी समझती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको बढ़ाना चाहिए, और बच्चों को सिर्फ पढ़ाई, मार्क्स, बुक्स से निकाल के ओवरऑल जो एक हमको थिएटर, म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट्स, इन सब से जो एक आनंद मिलता है, एक क्रिएटिव एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है वो एक्सप्लोर करने में लता और मैं बहुत जुड़े हुए हैं. बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी. ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है. हमारे साथ हैं गीता चंद्रन. गीता जी, अगर आप ही के एक परफॉर्मेंस को मैं याद करूं, कुलवर्ण का था, जिसमें आपने इंग्लिश पोइट्स की पोएम्स के ऊपर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी, ख्याल कैसे आया? ये भी एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के ऊपर पोइट्री का एक फेस्टिवल था ये, और मुझे कहा गया कि आप कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री के पोइट्स को चुनिए, तो हमने UK चुना. उससे पहले मैं जब कॉलेज में थी तब भी मुझे लगता था कि डांस इतनी एक सुंदर चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन भाषा में अपने कॉम्पोजिशंस प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है जिनको समझ में नहीं आती है. तो शुरुआत तो मैंने फिर हिंदी पोइट्री से करी, मीरा, सूर, विद्यापति, ये इन्होंने वही बात कही है जो साउथ इंडियन पोइट्स ने उस टाइम भक्ति काल में जो कहा था, तो वो ढालने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि लगा और फिर ऑडियंस को एकदम से समझ आने लग गई जो हम कर रहे थे. क्योंकि हस्त मुद्रास जो हैं, अगर हम कृष्ण करते हैं जो किसी भी भाषा में कर लें तो कृष्ण है, और अगर कालिया कर रहे हैं तो कालिया मर्दन तो कालिया मर्दन ही हुआ. तो आप हिंदी में कर रहे हो या फिर इंग्लिश में कर रहे हो या फिर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कर रहे हो, पोइट्री तो पोइट्री है. तो मुझे लगा कि ये एक ब्रेक थ्रू है कि इसी वोकैबुलरी को लेके अगर हम बहुत इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए भी हम करते थे, तो हमने कहा कि इंग्लिश पोइट्री की जो आइडिया है, इंग्लिश पोइट्री को हम पढ़ देते थे और फिर उसका जो है म्यूज़िकल रिप्रेजेंटेशन अभिनय के थ्रू हम लोग करते थे. आप गुरु भी हैं, और आप एक ऐसी गुरु हैं जो अपने शिष्यों से वो चाहती हैं, वो सब कुछ करवाना चाहती हैं जो आप नहीं कर पाएं. एक गुरु की हैसियत से आप अपने आप को कहाँ आंकती हैं? हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि सिखाने के लिए भी सीखना पड़ता है, तो मैं उनके बगल में बैठती थी हर टाइम. उनके जो क्लास थे वो मैं लेती थी और वो बैठ के करेक्ट करते थे. तो मुझे लगता है कि आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट इन बीइंग एबल टू लर्न टू टीच, विच वॉज़ अ बिग ब्लेसिंग, एंड दैट्स वाई आई एन्जॉय टीचिंग.
तो तीन चार चीज़ें हो रही हैं साइमल्टेनियसली हमारे स्टूडियो में. मेरा अपना रिहर्सल होता है, मेरा अपना सोलो वर्क होता है, फिर उनके लिए क्रिएट करना, आज जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए अलग रेपर्टुआर बनती है, फिर हमारी ग्रुप वर्क जो है नाटी वृक्षा डांस कंपनी है उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें मेगा इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े वेन्यूज़ में करते हैं, वो चलता है, और फिर रेगुलर टीचिंग चलता है अपने बच्चों के लिए. हम सबकी ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं कहीं जहन के किसी कोने में. कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने उन लम्हों को, बहुत पुराने लम्हों को हमारे साथ शेयर किया, आइए देखते हैं. हाय गीता, आई एम श्योर यू आर रियली सरप्राइज टू सी मी हियर, बट आई एम रिमेम्बरिंग जब आपका पहला दिन कॉलेज का था LSR में, और हम सब वेट कर रहे थे फ्रेशर्स के लिए, और हमने आपको सबको एक कमरे में ले जाकर इंट्रोडक्शन आपसे सबसे मांगी थी. तो आपने ये कहा था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमने आपको टेस्ट करने के लिए एक साइड में सबको बोला था कि चलो आप डांस करें और आप गाना सुनाइए. बट आई रिमेम्बर कि वंस यू स्टार्टेड सिंगिंग, और हम ये सब एकदम भूल गए कि हम आपका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और आपके गाने से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए. सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव गीता आपके आपका ये था जब LSR का 25th सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, एंड यू वर डूइंग द इनॉग्रल डांस, एंड राइट इन द मिडल ऑफ इट द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ एंड द म्यूज़िक स्टॉप्ड. ऑल ऑफ अस इन द ऑडियंस, हमारे तो एकदम हार्ट बीट बंद हो गई थी, बट यू कंटिन्यूड योर डांस एंड यू सैंग योर सेल्फ. सो वी वर ऑल सो इम्प्रेस्ड एंड सो प्राउड ऑफ यू सिंस देन. इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. आई ऑलवेज विश द वेरी बेस्ट फॉर यू, नॉट एज अ फ्रेंड, बट बिकॉज आई नो यू deserve it. You deserve to go right to the top, and we will always pray and be there to bless you. Geeta ji ek achhi manushya hai, sachi dost hai, aur shesht natyangana hai. Maine aksar mehsoos kiya hai Geeta ji ko ki apne vyaktitva ko natya ke sath jis prakar wo समन्वित करती हैं, पता ही नहीं लगता कि व्यक्ति नृत्य कर रहा है या नृत्य व्यक्ति को जी रहा है. गीता के साथ एक खास अपवाद ये है कि गीता उन दर्शकों को, उन श्रोताओं को, उन कला प्रेमियों को जो लोग शास्त्रीयता का अर्थ नहीं जानते, वह उनको आसानी से शास्त्रीयता का अर्थ भी समझा देती है, और सबसे बड़ी बात है कि वह अपने दर्शकों, अपने प्रशंसकों को उनके स्तर पर आकर के आनंदित करती है. ये बहुत खूबसूरत बात जो इन्होंने कही कि आप आम लोगों को उनके स्तर पर जाकर आमंत्रित करती हैं, जो बहुत कम डांसर्स कर पाते हैं. अपने आप को पहले नृत्यांगना को रस में डुबो लेना चाहिए, पूरी तरह डुबो लेना चाहिए, फिर जब वो नृत्य करती है तो उस रस को ऐसे छलकना चाहिए कि वो ऑडियंस अनायास ऑडियंस तक पहुंच जाए. तो वो एक पूरी एक प्रोसेस जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. या मैं ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस करूं, उसमें कोई एक नयापन होना चाहिए, उसमें कुछ एक ऐसी बात होनी चाहिए जो मेरी अपनी हो, अपनी सोच उसमें आनी चाहिए. और अगर कंटेम्प्रेरी बात कहते हैं तो उसको डिग्निटी के साथ कहना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि प्रोपेगेंडा के लिए कुछ कर दिया, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं. जब से मन में उस इश्यू के लिए आपके 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 मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है, तब तक वो आप नहीं कर पाएंगे. तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. गोविंद जी तो बहुत ही हमारे वो तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, और उनकी जो समझ है हिंदी कविता के प्रति, हिंदी पोइट्री के प्रति, उन्होंने हमेशा मेरी मदद करी है. और मुझे लगता है कि अलग अलग क्रिएटिव लोगों से बात करने का जो मेरा एक एडवांटेज रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स रहे हैं, डिज़ाइनर्स हों, विजुअल आर्टिस्ट हों, म्यूजिशियंस हों, सबके साथ अच्छा एक डायलॉग बना के रखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ मिल सकता है. जैसे नवरत्न कहते थे कि एक दूसरे से लेते थे, एक दूसरे का जो है देखते थे, सुनते थे, तब जाके कुछ अपने उसमें एक नयापन और एक क्रिएटिविटी आती है. आपने बुक भी लिखी है, सो मैनी जर्नीज, क्या रहा, क्यों सोचा कि किताब लिखनी है? किताब इसलिए लिखी, पहले तो अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपनी क्लैरिटी के लिए किताब लिखी, क्योंकि
गुरु से बहुत कुछ पाया था और गुरुजन भी इतना कह जाते थे, सरल तरीके से कह जाते थे, लेकिन बहुत बड़ी बात होती थी वो, जैसे हमें ध्यान करके तो हमेशा वो कहते थे रियाज और साधना में फ़र्क है, हमेशा कहते थे। रियाज कोलू की बैल की तरह एक ही चीज़ आप रटते रहोगे वो नहीं है। इसमें साधना कि साधना शब्द का जो महत्व है हमारे इसमें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहती थी। लोग आपको स्पिरिचुअल पर्सन भी कहते हैं। स्पिरिचुअल तो आई थिंक एवरी डांसर और म्यूजिशियन अपने तरीके से स्पिरिचुअल है, लेकिन मैं क्योंकि वृंदावन का जो एक असर रहा है और घर में बहुत मेरे माँ बाऊ जी दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल रह चुके हैं, तो नृत्य को उस दृष्टिकोण से देखना मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया। अमूमन गीता जी, सुनने में आता है कि युवाओं में जो शास्त्रीय नृत्य के प्रति वो रुझान नहीं है, लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आपके शिष्यों को देखती हूँ और वहाँ पे युवाओं की एक अच्छी खासी तादाद को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये गलत सा महसूस होता है। कैसा रुझान दिखता है आप? देखिए, आप हमेशा इसको एक रॉक कॉन्सर्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब जितने लोग रॉक कॉन्सर्ट में आते हैं उतने लोग शायद एक शास्त्रीय उसमें नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमेशा ही शास्त्रीय नृत्य और म्यूज़िक का जो है एक एक स्थान रहा है, वो रहेगा, वो आर्टिस्ट्री रहेगी, वो रुझान रहेगा और वो प्रेम जो है लोगों के मन में वो तो रहेगा ही रहेगा। एक डिग्निटी, एक एस्थेटिक्स, एक सुंदरता, ये सब चीज़ें हैं वो तो रहेंगी रहेंगी। और मुझे लगता है कि टेकर्स ज़्यादा ही हैं मेरे क्लास में, मैं अकोमोडेट नहीं कर पा रही हूँ, जितना मैं सिखा सकती हूँ उतना ही समय और स्पेस की कमी है। और भी लोग सीखना चाहते हैं और बहुत लोग सीख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ख़तरे में नहीं है क्लासिकल डांस। गीता जी, यकीनन फिल्मी गीत हम सब के जबान पर होठों पर होते हैं, कुछ गीत जो आपको याद आ रहे हों अभी फ़िलहाल गुनगुनाइए हम लोगों के लिए। काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा जियरा, यौवन रे तु सजन जाके नाए, काहे जियरा तरसाए काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा जियरा। कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हम लोगों के साथ इतना वक्त गुजारने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, जल्द एक और चमकते सितारे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।